बट अब ये जो मुकाबला है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जलमी टॉस हो चुका है क्योंकि 6 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा. सो पेशावर जलमी हैज वन द टॉस एंड दे हैव चूज टू बोल फर्स्ट. तो यस यही ट्रेंड लग रहा है आदिल, मुझे लगता है कि जो टॉस जीते वो बोलिंग चूज. आई थिंक इस वक्त तो PSL 8 का फॉर्मूला यही लग रहा है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है और वो पहले बोलिंग कर रही है. बट बहरहाल अभी जो हम बातें सुन रहे थे कमेंटेटर्स की, जो पिच एनालिसिस एंड ऑल, उनका कहना यही है कि काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली ये विकेट नज़र आ रही है. सो लेट्स सी, वी नो मुल्तान हैज़ गॉट द फायर पावर और अच्छा टोटल वो पुट अप कर सकते हैं. इस वक्त हम टीम लाइनअप पे भी देख रहे थे लाला, लेकिन उससे पहले अगर डिसीजन की बात करें टॉस जीत के, जनरली हमारे यहाँ होता था कि पहले बैटिंग की जाए, कुछ होता था. मैं UAE की कंडीशंस में अक्सर थोड़ा मुख्तलिफ होता था, लेकिन क्या रीजन हो सकती है इसकी? इसका रीजन जो ज्यादातर कप्तान टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहते हैं वो इसलिए कि लेटर ऑन बॉल ने ड्यू फैक्टर की वजह से वो जो है ना थोड़ा सा बॉल इजी हो जाता है, स्पिनर्स का बॉल ग्रिप होता नहीं है, तो वो बॉल अच्छा बल्ले पे आता है. तो इस वजह से मेरे ख्याल में ज्यादातर कप्तान जो है वो पहले बॉलिंग करना चाहते हैं. बिल्कुल जी. सो जब हम बात करते हैं कि कल का जिस तरह मुकाबला हुआ, यूनाइटेड बिल्कुल एक अलग टीम लग रही थी कराची किंग्स के मुकाबले में, बट उस टीम के अलग लगने में जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल से किरदार सामने आया जिसका, वो था आजम खान, द प्लेयर फॉर यस्टरडे. जिस तरह आजम ने कल बैटिंग की है वो धुआंधार बैटिंग, यानी BPL की ही फॉर्म उठा के ऐसा लगा कि आजम ने PSL में वो अप्लाई कर दिए. सो आजम खान को सबसे पहले जो है वो खुशामदीद करते हैं शो में. आजम, वेलकम टू जोर का जोड़, अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल खैरियत है. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आजम, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यस्टरडे और बड़ा भाई बहुत मजा आ रहा था बैटिंग देख के. हमारे साथ यहाँ पे लाला मौजूद हैं, मिसबा मौजूद हैं, इमाम मौजूद हैं, इरम जावेद मौजूद हैं. सो सबसे बारी बारी आपकी बात करवाएंगे अदील. नहीं मैं तो ज़ाहिर है सिर्फ यहाँ पे इमाम को सॉरी माफ़ कीजिएगा आजम को कंग्रेचुलेट ही करूँगा, बिकॉज जिस तरह कल उन्होंने जैसे कहना चाहिए डिमोलिश किया, वी अंडरस्टैंड okay this is his town no doubt about that, but he was playing against the home team aur usme behtareen karkarde ka muzahira kiya. aur Colin Munro lala ye bol rahe the jab post match mein ki mujhe hairani hoti hai ki Azam Pakistan cricket team mein kyu nahi hai. Baharal ji is pe bhi hum baat karenge, lekin Azam aapko sun rahe hain lala, if you want to say anything. Azam very well done, zabardast, hamesha se aapki aapko support karte rahe hain hum log. aapki zabardast hitting, jo strong hitting aap karte ho, mashallah bade kam player aise nazar aate hain, lekin baat हम जो रुक जाते हैं वो इस वजह से रुक जाते हैं कि फ़िटनेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम इसलिए आपकी फ़िटनेस के बारे में बात करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलते हो तो उसमें होता ये, जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो सबसे पहले फिर फ़िटनेस के ऊपर बात आना शुरू हो जाती है. तो हमें कोई शक ही नहीं है आपके छक्के चौकों पर, और माशाल्लाह जो आपकी फॉर्म लगी है अल्लाह करे आप इस तरह कंटिन्यू रखो इस चीज़ को. और कल जो आपने कैच पकड़ा है वो कैच देख के मज़ा आया है. थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू सो मच, और बाकी जितने भी लोग पैनल पे सबको अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सो मिसबा, आप अगर कोई बात करना चाहते हैं आजम से, क्योंकि आप जब नहीं एसोसिएटेड रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, उसके बाद आजम ने जो है वो ज्वाइन इन किया है, आपने कहा कि बहुत अच्छा एक थॉट प्रोसेस के थ्रू जो है सोच के लेकर आए हैं आजम को. सो अगर आप कोई बात करना चाहते. जी मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आज़म को, वक्त के साथ साथ जिस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. और सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे ख़्याल में जितने भी लोग थे पाकिस्तान में जब क्वेटा से आज़म छोड़ के आया इस्लामाबाद में, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर सरफराज खेल रहा था, इसको उस तरीके से कीपिंग का मौका नहीं मिल रहा था. और ऑब्वियसली आज़म के लिए कीपर एज अ कीपर बैट्समैन सारे इसको खेलते हुए देखना चाहते हैं. और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे कल की स्पेशली बैटिंग में नज़र आई वो थी डिफरेंट शॉट्स, डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द ग्राउंड अगेंस्ट पेस अटैक, पेस बॉलिंग. क्योंकि स्पिन को तो हमें हर किसी को पता है कि आज़म हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, स्पिनर्स को आराम से ये छक्के भी मारता है और सारी शॉटें खेलता है. बट द वे ही प्लेड येस्टरडे अगेंस्ट द सीमर्स, फास्ट बॉलर्स को जैसे जिस किस्म के शॉट खेले और हर तरफ खेले, इनसाइड आउट भी मारा, मिड ऑफ के ऊपर से भी मारा, फिर उसको मिड विकेट की तरफ सीधा स्क्वायर लेग पैडल स्वीप मारी. तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है T20 क्रिकेट में आपको, जैसे वो
सूर्य कुमार यादव ने भी वर्ल्ड कप के दौरान कहा कि ऐसे एरियाज ग्राउंड के एक्सप्लोर करना, ऑकवर्ड एरियाज जहाँ नॉर्मली फील्ड नहीं होती, जैसे मूसा के स्लोअर वन को स्केयर लेग के ऊपर से बिल्कुल फाइन और स्केयर के बीच में से मारा, वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपको मोस्टली बाउंड्री मिलेगी. Right. So that was good. और उससे अंदाज़ा होता है कि आज़म ने अपनी बैटिंग पे काम किया और पिछले 6 महीने या साल से अब बहुत इम्प्रूव्ड है वो. बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने नई करनी शुरू की हैं. तो वेरी वेल डन. शाहिद भाई ने जैसे बात की, ऑब्वियसली आप थोड़ा थोड़ा करके अगर अपनी फिटनेस पे भी काम करते जाएंगे तो आई थिंक इन द कमिंग डेज आज़म will be, I think, a strong member of the Pakistan T20 team, especially abhi. Aur agar aur improve fitness hoti hai to one day team mein bhi, why not? Bilkul. Yeah, chale. Ji Azam. Thank you, Mizwa bhai. Thank you so much for the kind words. Inshallah, puri koshish rahegi ki fitness behtar se behtar kare aur isi tarah team ke liye perform karte rahe.